जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप इन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं, तो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं, वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पे हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा जाता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईने हो, आईने बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है, तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो, वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचोगे, तो आप और आगे देख पाओगे। आंसू में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं।
जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तो बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती, हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे अपने बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। जो आपकी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बात पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो, जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, लेकिन वो ये जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरा सिवा कहाँ मिलता है। कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपने बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य की होगी। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।